गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड केयर। मैं हूं प्रिया, जहां मैं लेकर आती हूं आपकी स्किन से रिलेटेड बातें, कैसे आप अपने स्किन को केयर कर सकते हैं और फैशन ट्रेंड के बारे में। तो लास्ट वीडियोस मैंने आप ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आप कैसे अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट और केयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने चेहरे को स्पॉटलेस बनाया है, अपने चेहरे को कैसे क्लीन किया है। आपने ऑलरेडी पिक्चर में देखा होगा कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स और यू नो पिंपल स्कार्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो कैसे मैंने उसे रोकने की कोशिश की फेस पैक के थ्रू, और जो जो हो चुके थे उनके जो स्पॉट्स आ गए थे उन्हें कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए भी मैंने एक फेस पैक बनाया। तो आपको पता है कि मैं हमेशा नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि आपको कोई एलर्जी ना हो और यू नो केमिकल वगैरह से आप बच सकें। तो आज मैं दो ऐसे फेस पैक बताने वाली हूँ कि एक आपको जो स्कार्स हो चुके हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं, और दूसरा फेस पैक उन लोगों के लिए जिनको पिंपल बहुत ज़्यादा आते हैं और उन्हें रोकने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो को आपको अगर पसंद आती है हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले प्लीज़ मेरे ये जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, और उसके बगल में बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको यू नो टाइम टू टाइम आपको रिसीव हो सके। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को बिना लेंदी किए हुए लाइक बहुत सारी बातें किए हुए जो फेस पैक पे हम आते हैं, तो मैं आपको फेस पैक ऑलरेडी जैसे मैंने टू फेस पैक बताए हैं तो उसमें फर्स्ट फेस पैक में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं वो मैं बता देती हूँ। लाइक अगर आप अपने फेस पे रिंकल्स ऑलरेडी हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यू नो लाइक स्पॉट्स को सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीच का। तो हम मार्केट में या पार्लर में जाके ब्लीच कराते हैं ताकि हमारे स्पॉट्स वगैरह धीरे धीरे लाइट हो जाए, डल हो जाए, ख़त्म हो जाए। पर अगर हम केमिकल यूज़ ना करके होममेड रेसिपीज़ यूज़ करेंगे तो और होममेड की चीज़ों से बनाएंगे तो यू नो हमें फ़ायदा तो करेगा ही, बजट फ्रेंडली भी रहेगा और हम इसके साइड इफेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो लाइक चलिए बात करते हैं पहले फर्स्ट पैक की जो हमारे स्पॉट्स को रिमूव करता है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जिनको ऑलरेडी फेस पे स्कार्स हैं, स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के रह गए हैं, तो उन्हें कैसे यू नो क्लियर करते हैं। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पैक के और के तरफ पहला फर्स्ट पैक मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें क्या इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है पोटैटो की, यानी आलू की। आलू आपको पता है कि उसमें स्टार्च पाया जाता है जो आप हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइट करने के में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और सेकंड थिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है लेमन की। लेमन हमें पता है कि ब्लीचिंग का काम करता है, तो लेमन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इसके फ्यू ड्रॉप ही लीजिएगा अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है या जलन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पिंपल्स पर वगैरह पर थोड़ा बहुत जलते हैं। तो आप उसकी लाइट मात्रा ही या थोड़ी बहुत मात्रा लीजिएगा, यानी 2-3 ड्रॉप भी चलेगा। वैसे मैं अपने पैक में 1 स्पून लेने वाली हूँ। और थर्ड थिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है टर्मरिक की। टर्मरिक आपको वैसे ही पता है कि टर्मरिक आप बहुत ज़्यादा गिरो बेनिफिट से भरपूर है, तो उसका यूज़ करने के लिए हमारे फिल्म के लाइटनिंग के लिए। तो ये पैक मेरा पहला पैक आपके उन पिंपल्स के स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए है जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए, स्पॉट्स को डल करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये पैक है मेरा। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये किया है, यहाँ पे आलू ले लिया है। इस आलू को आपको अच्छे से वॉश करके और यू नो छिलनी की सहायता से इसको छील लेना है। और जब छील लेंगे तो इस छीलने के बाद आप इसको इस कद्दूकस की सहायता से ग्रेंड कर लेना है, यानी उसको यू नो जैसे कि आप गाजर वगैरह रेतते हैं तो वैसे आप इसको ग्रेट कर लीजिए, रेत लीजिए आलू को। छिलने के बाद अच्छे से वॉश करके इसको ग्रेट कर लीजिए, और जो उसके पार्ट निकलेंगे आप उसको यू नो छन्नी की सहायता से आप उसको यू नो उसका जूस निकाल लीजिएगा। और इसका जूस निकालने के बाद कुछ इस तरह से आप उसको यू नो ये मैंने निकाल के रखा हुआ है जूस, इस जूस को निकाल लीजिएगा। आपके पास यू नो आपका तैयार हो गया पोटैटो जूस। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फेस मास्क के लिए और आपके डार्क स्पॉट्स को
डल करने के लिए हो, यू नो आपके डार्क सर्कल्स हो गए हों या पिंपल्स के स्पॉट हों, स्कार्स हों, सभी को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये मैंने कद्दूकस के यू नो छन्नीस की सहायता से इसको जूस निकाल लिया है। अब इस जूस में मैं मिलाने वाली हूँ, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि इस जूस में मुझे मिलाना है लेमन यानी नींबू। नींबू के मैं यू नो आपको जैसा सूट करता है उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है यू नो नींबू वगैरह से, तो आप उसके एक ही चम्मच लीजिएगा लेमन। मैं जैसे कि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, हाँ हल्की होती है, तो मैं यू नो वन स्पून या वन एंड हाफ स्पून मैं ले रही हूँ। वन हाफ स्पून मैं इसमें डालूँगी, फिर मैं इसे मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसमें टर्मरिक यानी हल्दी मिलाऊँगी। हल्दी की आप यू नो वन पिंच या टू पिंच आप ले सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है उस हिसाब से। मुझे सूट करता है इसलिए मैं टू पिंच ले रही हूँ। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। देखा, बहुत सिंपल है ये मेथड और ये पैक बहुत इजी है और बहुत सारे बेनिफिट्स से भरपूर है। आप इसको लगा के देखिएगा, वन मंथ लगाएंगे आप, इसको लगाने के बाद आप खुद मुझे मैसेज यू नो मेल करेंगे या मैसेज करके मुझे बताएंगे कि इसके आपको क्या बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले। पर मैं श्योरली 100% कह सकती हूँ, अगर रेगुलर बेसिस पे वन मंथ आप इसे लगाते हैं तो आपके बहुत सारे जो स्पॉट्स हैं यू नो पिंपल्स के हैं, स्कार्स हैं या डार्क स्कल्स हैं, वो सारे बहुत हद तक लाइट हो जाएंगे। तो चलिए अब इसे लगा भी लिया जाए, पैक तैयार है। फ्यू मिनट्स में आप इस पैक को तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे लगाया जाता है। ओके रेडी, अब हम इसे लगा लेते हैं। लगाना आपको बहुत इजी है, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फोर हेड से स्टार्ट कीजिएगा। फोर हेड से लगाते हुए लास्ट चलिए आपने देखा कैसे ये फर्स्ट पैक कैसे बनाते हैं और इन्हें कैसे लगाया जाता है। तो अब हम अपने सेकंड फेस पैक पर आते हैं। सेकंड फेस पैक आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स स्कार्स वगैरह हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, और उन्हें कैसे रिमूव करें या कैसे कब करें, बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे अगर ये पैक यूज़ करेंगे तो वो पिंपल्स आने भी रुक जाएंगे काफ़ी हद तक। तो उनमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो फटाफट हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध आप चाहे गाय का ले लें, बेस्ट होता है, या यू नो गाय का नहीं मिले तो भैंस का भी चलेगा, बफेले वाला भी चलेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी मिल्क लें, पर वो रॉ मिल्क होना चाहिए यानी कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चे दूध के साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है हनी की और टर्मरिक की। इन तीन इन्ग्रीडियंट से ये सेकेंड हमारा फेस पैक बनता है। अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपके जो पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं बहुत हद तक वो आना कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे फेस पे ऑलरेडी यू नो फेस ड्राइनेस या डस्ट की वजह से या यू नो लाइक ड्राइनेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम की वजह से हमारे पिंपल्स वगैरह और ये डस्ट वगैरह की वजह से हो जाते हैं। तो उन्हें क्लियर करने के लिए ऑलरेडी मैंने स्किन के ऊपर एक वीडियो बनाया रखा है कि आप कैसे अपने यू नो टॉवल फेस वॉश वगैरह यूज़ करके, आप कैसे रेगुलर बेसिस पे रूल फॉलो करके आप कैसे अपने स्किन को बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पिंपल वगैरह ना आए। फिर भी अगर पिंपल वगैरह आ जाते हैं तो इन्हें रोकने के लिए जो फेस पैक मैं बता रही हूँ, जिनमें रॉ मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, हनी की ज़रूरत पड़ती है और रॉबल की ज़रूरत पड़ती है, हनी की ज़रूरत पड़ती है और लाइक टर्मरिक की ज़रूरत पड़ती है, इन तीनों चीज़ों के साथ इंग्रेडिएंट मिलाने से आप अपने फेस को बहुत हद तक पिंपल्स को रोक सकते हैं। यू नो लाइक ये चेहरे के रिंकल्स को भी क्लियर करता है और सनबर्न से भी रोकता है आपको। यू नो लाइक बहुत ईजी रेसिपीज़ हैं और इंग्रेडिएंट भी ऐसे हैं जो घर घर में अवेलेबल होते हैं। सबके घर में दूध आता है, हल्दी अवेलेबल होती ही है और प्लस हनी
हनी यू नो, अगर मैं कहूँ कि अगर वो सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है तो वो मार्केट से भी आप ले सकते हैं, छोटे बॉटल भी ले सकते हैं, कम रेट में आएगा। पर अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे यू नो 2-3 ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है हनी की, तो अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उसे यूज़ करेंगे तो आप बहुत हद तक अपने पिम्पल्स को रोक पाएंगे। तो इनको बनाने की भी विधि देख लेते हैं, मेथड कैसे ये बनाया जाता है, फटाफट बना लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं खुद ही एक लेज़ी हूँ और मैं ऐसे ही इस पैक यू नो लाइक जो फटाफट बन जाए उन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए इनको बनाने की भी मेथड देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फेस पैक तैयार करते हैं, देखते हैं उसका मेथड क्या है इसे तैयार करने के लिए। इनके तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको क्या क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रॉ मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, जो सब घर पे अवेलेबल होता है, यानी रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। और सेकेंड थिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है हल्दी की यानी टर्मरिक की, और थर्ड थिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है हनी की। तो आपको पता चल गया ये 3 इंग्रेडिएंट्स सिंपल से जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। हनी नहीं भी है तो आप उसे मार्केट से ले सकते हैं, उसकी छोटी बॉटल भी आप रिसीव कर सकते ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और अपना फेस पैक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाने का तरीका भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि है रॉ मिल्क, ये मैंने 2 स्पून लिया हुआ है, इस स्पून की मदद से मैंने लिया है। तो 2 स्पून मैंने इसमें रॉ मिल्क ले लिया है। अब इस रॉ मिल्क में मैं इन डालूँगी हनी और टर्मरिक यानी हल्दी। तो चलिए अब इसे मिलाते हैं। रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, कच्चे दूध में हम 2 स्पून वो हनी डालेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 2 स्पून इसमें डाल दिया है, और अब इसमें लाइक 1 पिंच कह सकते हैं आप, 1 चुटकी हल्दी मिलाएंगे। आप इसका पैच वर्क करके आप देख सकते हैं, ताकि अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो आप मत लगाइएगा, पर अदरवाइज आप लगा सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं तो आप सभी समझते हैं कि नेचुरल चीज़ें लगाने से कोई हार्श या कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप इन्हें लगाएंगे। 2 पिंच मैंने डाल दिया है, जो सूट करता है तो मैं इसे लगा सकती हूँ, और मैं इसे अच्छे स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब इसे फेस पे अप्लाई करते हैं। तो आप जैसे देखा आपने कैसे इसको बनाने का तरीका, बहुत सिंपल है, 3 मिनट से आप आराम से इसको अपने घर पे बना सकते हैं। नेचुरल चीज़ें हैं तो हम बाहर के केमिकल को यूज़ करके अपने फेस को क्यों हार्म पहुँचाएँ, जब हमें नेचुरल चीज़ें घर पे ही अवेलेबल हो जाती हैं। उन्हें यूज़ करके देखिए, आप बहुत सारे बेनिफिट देखेंगे, बिना किसी लॉस के आप प्रॉफिट पाएंगे। तो अब चलिए इसे लगाने का तरीका जान लेते हैं। तो आप इसे ब्रश के थ्रू भी लगा सकते हैं और हैंड के थ्रू भी लगा सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों आप उस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रश से लगाने का यू नो तरीका बता देती हूँ। सिंपल है, जिससे सारे चीज़ें लगाई जाती हैं, जिस मास्क वगैरह लगाते हैं वैसे ही लगाना है। और मैंने मिक्सर जो बनाया हुआ है वो क्या मेरे हाथ में है, चलिए लगा लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोरहेड से स्टार्ट कीजिए इसे लगाना। शॉस कर लिया है और मैं इसे टॉल से यू नो सॉफ्ट इससे मैं ड्राई कर लेती हूँ, फिर इसको प्लेट कर लेती हूँ।
आपको मैंने हमेशा वीडियो में बताया कि आप अपने टॉवल को हमेशा सबसे अलग रखिएगा और उसे क्लीन रखिए, वो डस्टेड नहीं होने चाहिए। और अगर डस्टेड होंगे तो आपको आप कुछ भी लगा लीजिए, पिंपल अब फोर्स आने ही आने हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपका फेस क्लीन एंड क्लियर हो और आपको पिंपल्स परेशान ना करें, तो मेरे बताए हुए मेथड को यूज़ कीजिए। मेरे बताए हुए फेस पैक को आप यूज़ कीजिए तो आप बहुत हद तक अपने यू नो पिंपल्स से रिलीफ पा सकते हैं। वो आपको पास बट के लिए भी नहीं, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा टॉवल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। सॉफ्ट टॉवल से ही अपने फेस को पोछें और आप रब मत कीजिए। रब करने से ना यू नो आपके फेस की स्किन तो सॉफ्ट होती है, तो आप उसको रब करोगे तो वो पिंपल्स आ जाएंगे ना, अगर से आ जाते हैं पिंपल वगैरह तो आने ही आ जाएंगे आपको। पर अगर आप इस यू नो सॉफ्ट हैंड से उसको अपने फेस को ड्राई करेंगे, क्लियर करेंगे, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैंने अगर आती है तो मैंने आपको यू नो बता दिया है फेस पैक एक सिंपल सा जो आप यूज़ करोगे रेगुलर बेसिस पे। थ्री मंथ रेगुलर कंटिन्यू, थ्री मंथ छोड़ो, आप वन मंथ ही आप रेगुलर यूज़ करके देख लो तो आप बहुत सारे बेनिफिट लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा बहुत सिंपल था, मैंने इसे ट्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। सो मैं अपने फेस को टच कर रही हूँ तो काफ़ी स्मूथनेस ही फील होती है बिकॉज ऑफ हनी और राम मिल्क। आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा यू नो मिनरल्स से भरपूर है, तो वो आपके चेहरे को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हनी आपको फेस स्मूथनेस देता है और टर्मिक आपको पता है कि फेस की लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपने देख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपने देखा ये दो फेस पैक कितने कमाल के थे और कितने इजी थे, इनको लगाने का बहुत झंझट भी नहीं था, बनाने का भी बहुत झंझट नहीं था। तो दोनों फेस पैक को आराम से आप बना सकते हैं घर में ऑलरेडी घर के होम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, और बहुत ही सिंपल वे में आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे हैंड के थ्रू कर लीजिए, चाहे ब्रश के थ्रू कर लीजिए, जैसे आप सूटेबल पड़े वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई नो दैट कि हम इसे यू नो रेगुलर हमेशा यू नो टाइम नहीं हो पाता हर किसी के पास, तो आप यू नो इसको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मॉर्निंग में लगाना है नाइट में लगाना है। आपको जब भी टाइम सूटेबल हो आप उस टाइम लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे, बस 15 मिनट में आपका सारे काम हो जाएंगे, 5 मिनट बनाने में और 10 मिनट लगाने में। तो जैसे ड्राई होता है आप इसको फेस वॉश करके आप क्लियर कर सकते हैं। और बहुत अगर आप इसे ओनली वन मंथ और यू नो रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे तभी आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। अगर आप यू नो इसको गैपिंग करेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे। अगर 1 वीक में कम से कम आपको 3 टाइम्स इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके चेहरे पर स्पॉट्स हैं तो फिर आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत चलती है यार, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा स्पॉटलेस हो, क्लियर हो, आपके पिक्चर्स हमेशा क्लियर आए, आपको यू नो यू लाइक बेस्ट कैमरे की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ मेरी पिक्चर क्लियर आए, तो आप अच्छे नॉर्मल कैमरे से भी अपनी पिक्चर खींचें और आप खुश हो सके कि हाँ मेरा चेहरा कम से कम स्पॉटलेस है। और इसको इन दो फेस पैक को यूज़ करने से आप बहुत तक अपने चेहरे को फेयरनेस यू नो देख पाएंगे। लाइक मेरी पिक्चर्स आपने देखी होगी, मैंने फ्रंट में ये थंबनेल में ऑलरेडी लगा के रखा है कि मेरी स्किन ऑलरेडी पहले कैसी थी, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स वगैरह थे, चिकन पॉक्स के तो थे, उसके लिए मैं ऑलरेडी बाद में वीडियो बनाऊँगी कैसे मैंने उसके हटाया। पर मैं पिंपल्स और स्कार्स के लिए मैंने जो भी रेमेडीज़ यूज़ की हैं वो मैंने आपको दिखाया कर लगा के। तो आप इन दो फेस आपको और कोई फेस पैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बाहर के मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दो फेस पैक को आप अप्लाई कीजिए अपने फेस पे और बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आप अपने फेस पे इम्प्रूवमेंट पाएंगे और देखेंगे। और प्लीज़ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक यू कहेंगे बिकॉज ऑफ ये फेस पैक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये हर सेंसिटिव स्किन वाले के लिए और हर नॉर्मल इंसान के सभी के लिए ये फेस पैक बहुत ज़्यादा कारगर यू नो हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो आई नो कि मैं जिस परेशानी को झेल चुकी हूँ वो आप ना झेलें, तो आपकी हेल्प के लिए मैं हूँ ना ऑलरेडी। तो चलिए ये दो फेस पैक को आप लगाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको यू नो ये फ़ायदा किया या नहीं। पर 100% मैं कह सकती हूँ अगर आप 1 मंथ और रूल्स को फॉलो करते हैं, वीक में 3 टाइम्स लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, आपके स्पॉट्स को बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा और पिंपल जो आते हैं उन्हें वो भी
कम करता जाएगा धीरे धीरे धीरे, आप अगर रेगुलर बेसिस आएंगे तो आपको कम हो जाएगा। पर हाँ, उसके साथ ही आपको स्किन केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।